ऋचा का आरोपी पति हुआ है गिरफ्तार। कानपुर में पत्नी को पीटकर हत्या का प्रयास करने वाले साइको संदीप शुक्ला को नजीराबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। शुक्लागंज स्थित शिवराज टोबैको के मालिक संदीप ने 29 अप्रैल को पत्नी ऋचा को पीटने के बाद हत्या का प्रयास किया था। इस मामले में आरोपी के खिलाफ नजीराबाद थाने में रिपोर्ट दर्ज की गई थी। पुलिस ने इस हाई प्रोफाइल मामले में सक्रियता दिखाते हुए दिल्ली के एक होटल से संदीप को उसके साथी राजकुमार के साथ गिरफ्तार कर लिया है। रसूखदार और दौलत के नशे में चूर संदीप का रसूख एसएसपी कार्यालय में भी साफ तौर पर नजर आया। संदीप कलेक्ट्रेट कानपुर नगर लिखी कार से एसएसपी कार्यालय पहुंचा। गिरफ्तारी के बाद भी वो नशे में धुत था। उसी हालत में वो अधिकारी के सामने जा पहुंचा। उसका जो वेशभूषा था उसे साफ लग रहा था कि उसे अपने किए पर तनिक भी पछतावा नहीं है। हालांकि उसने मीडिया कर्मियों से बात करने पर साफ मना कर दिया। अभियोग थाना नजीराबाद में 29 तारीख को पंजीकृत हुआ था, जहां पे एक पीड़िता द्वारा शिकायत की गई थी कि संदीप शुक्ला जो कि एक तंबाकू व्यवसायी है, 8 लोगों के ऊपर FIR लिखा है। इनके पति संदीप शुक्ला द्वारा इनसे मारपीट की गई, नशे के इंजेक्शन लगाए गए। इस संदर्भ में 307, 328, 147 और 504, 506 का अभियोग थाना नजीराबाद में पंजीकृत किया गया था। इसके उपरांत विवेचना के अंदर दो धाराओं की 498A और 365 की बढ़ोतरी करी गई। कल संदीप शुक्ला जो मुख्य अभियुक्त था उसको दिल्ली पुलिस के सहयोग से गिरफ्तार किया गया थाना नजीराबाद पुलिस द्वारा, और उनको एक साथी है राजकुमार श्रीवास्तव, ये हाथ रेजिडेंसी होटल है दिल्ली के अंदर, वहाँ पे रह रहे थे। इन लोगों को गिरफ्तार करके विधिक कार्रवाई के लिए भेजा। और इस खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सुनील गुप्ता जुड़ चुके हैं। सुनील, आखिर क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है इस संबंध में? कल इसकी गिरफ्तारी दिल्ली से की गई थी, वहाँ जो SSP के मुताबिक इसको लिखा जी कामा प्लेस से इसकी गिरफ्तारी की गई है। तो उस गिरफ्तारी के बाद इसको लाया गया कानपुर में। कानपुर में जिस दौरान इसको SSP के सामने पेश किया गया तो ये खुद अपने पैरों पर खड़ा होने लायक नहीं था। इतना नशे में था कि पैरों पर खड़ा नहीं हो पा रहा था। खैर, उसके बाद भी इसको SSP सामने पेश किया गया। उसके बाद से इसे इसका मेडिकल कराने के बाद पुलिस ने फिलहाल जेल भेज दिया है। जेल में इसे मुलाहिजा बैरक में रखा गया है। जिस तरीके से इसके पूरे मामले में पुलिस ने इसकी अरेस्टिंग की है, वो एक ये अपने आप में एक बड़ा काम हुआ। कि अभी तक जिस तरीके से संदीप है उसको कहा जाता रहा कि पूरा उन्नाव जिले के साथ साथ पूरा यूपी में इसका खासा रसूख रहा, जिससे कहीं ना कहीं सुनील रसूख के चलते ही इस पूरी घटनाक्रम को अंजाम दिया। संदीप ने गिरफ्तारी हो चुकी है, साथ ही राजकुमार जो इसका दोस्त है उसको भी गिरफ्तार किया गया है। क्या पूछताछ की गई पुलिस ने अब तक? पूछताछ में कुछ निकाला है? आखिर किस वजह क्या कुछ रही, क्यों इसने मारने का प्रयास किया अपनी पत्नी को? इसका जो अब पुलिस की पूछताछ में सामने आया है कि उसने पुलिस को बताया था कि पत्नी अभी कुछ समय पहले उसने एक बेंगलुरु में एक बंगला था जिसको इसने बिना पूछे अपने भाई के नाम कर दिया था। फर्जी हस्ताक्षरों का प्रयोग किया। तो इसको इस बात की जब जानकारी हुई तो उसने अपनी पत्नी से पूछा ऋचा से कि आखिर तुमने क्यों किया, तो उसने कहा मैंने जो करना था मैंने कर दिया। इसका आरोप है कि ऋचा ने इस पर खौलता हुआ पानी उसके ऊपर फेंक दिया था, जिसके बाद इसने उसको मारा पीटा। और उसके बाद जब इसको कानपुर ले आया तो यहाँ पर भी इसने के साथ में काफी बदतमीजी थी, जिसके चलते ही इसने मारपीट की। तो जाहिर सी बात जिस तरीके से संदीप बात बता रहा है तो उसमें कहीं ना कहीं ऋचा की भी गलती रही थी। लेकिन जो भी अपने ये पहला मामला नहीं, पहले भी वो ऋचा को आज दिन मारपीट करता रहा। लेकिन संदीप के बारे में ये घर की बात है जो संदीप पत्नी पे आरोप लगा रहा है, लेकिन जिस तरीके से आरोप संदीप पर लगते रहे वो पहली बार नहीं, क्योंकि जब से 20 सालों से शादी हुई तब भी नहीं, कि इससे पहले भी इस संदीप पर पूरे जिले में उन्नाव जिले में आरोप लगते रहे हैं। ये कभी कानपुर में एक होटल में इन्होंने गोली चलाई, एक ढोल वाले से ढोल बजाने को कहा उसने ढोल बजाने से मना कर दिया तो उसको गोली मारी थी। लेकिन
गोली उसके नहीं लगी, ढोल में लगी, एक बार घूमर में गोली मार दी थी। मतलब ये जो चाहता था, यदि उसने किसी इसके विपरीत कोई काम किया तो उसके खिलाफ उसको गोली मारने में विरोध नहीं करता था। तो जिस तरीके से संदीप ने पुलिस की बातें बताई, वो पुलिस के गले नहीं उतर रही है कि जिस तरीके से कि वो पहली बार ऐसा हुआ कि पत्नी ने पुलिस को खलता पानी फेंक दिया। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई पत्नी बिना किसी के साथ मारपीट की और पत्नी इसके इस तरीके से खलता हुआ पानी फेंक दी। तो जो भी इसकी बातें है उसमें कहने के विरोधाभास नजर आया। सुनील, इस पूरे घटनाक्रम को देखते हुए अब ये दलील दे रहा है संदीप कि उसकी पत्नी ने खोलता हुआ पानी डाल दिया, जो बंगला था वो अपने भाई के नाम कर दिया था, जिस वजह से संदीप ने ये कदम उठाया। लेकिन जो परिजन है, संदीप के घर वाले हैं, उनका क्या कुछ तर्क निकलता नजर आ रहा है? क्या दोनों पक्षों से पूछताछ की जा रही है? नहीं, अभी तक इनके घर वालों से किसी से बात नहीं हो पाई है। कोई भी घर वाला सामने आने को तैयार नहीं है। जो घर में जो कहें उनके जो रिश्तेदार हैं वो भी पुलिस के सामने आने को तैयार नहीं है। और जाहिर सी बात है, जिस तरीके से इनके जो रिश्तेदार हैं वो सबूत बनाए हुए हैं, तो कहीं ना कहीं उसकी जो आदतें थी उसके चलते ही कोई रिश्तेदार भी उसके संपर्क में नहीं रहना चाहता था। जिनके बहनोई है यहाँ पर अस्सी फुट रोड पर रहते हैं, उनसे बात करने का प्रयास किया गया तो उन्होंने भी बात करने का मना कर दिया। हालांकि उनका जो उनके पड़ोसियों से बताया उन्होंने कि संदीप का जब उसके घर पर झगड़ा हुआ है पत्नी से, तो संदीप पत्नी को लेकर के 80 फुट रोड आ रहा था। वहीं पर जैसे ही उनके घर के सामने पहुंचा तो इनकी पत्नी ने कार का दरवाजा खोला और कूद करके भागने का प्रयास किया और चिल्लाने लगी कि वो उसे मार रहा मार रहा, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होना, तो वो उसके घर पे लेके आ रहा, तो सिर्फ कि झगड़े को बैठ करके निपटा लिया जाए। तो जो अभी तक बातें सामने आ रही हैं, पुलिस उस मामले में विवेचना कर रही है। और पुलिस एसएसपी का भी कहना है कि जो भी जिस तरीके का भी इसमें और भी जो लोग उनके नाम लिखवाए गए FIR में, करीब 8 लोगों का नामजद किया गया, उन सभी के सभी पूछताछ की जा रही है। पुलिस का कहना है कि जो भी इसमें दोषी होगा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, बख्शेंगे। जांच का विषय है, जांच की जा रही है। घटनाक्रम में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सुनील, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह से रसूख के चलते इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया है, और जो दलील दी है संदीप ने वो ये कि ऋचा ने अपने भाई के नाम जो बंगला था बैंगलोर में वो भाई के नाम कर दिया, जिसके चलते ये कदम उठाया संदीप ने, और पत्नी ने पहले खोलता हुआ पानी डाला तब जाकर मारने का प्रयास किया संदीप ने। हालांकि ये अभी जांच पड़ताल हो रही है इस पूरे मसले की, जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई करने की बात कर रही है पुलिस।